कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि फ्रूटी पार्ले की कंपनी है। जिस तरीके से धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद रिलायंस का डिवीजन हुआ था, जहां मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिली और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी नाम से एक ग्रुप बनाया, उसी तरीके से चौहान फैमिली के पार्ले बिजनेस के भी तीन पार्ट हुए। पार्ले प्रोडक्ट जो की पार्ले जी वाली कंपनी है, सेकेंड पार्ट हुआ पार्ले का पार्ले बिस्लेरी नाम से जो की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती है, एंड द थर्ड वन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं पार्ले एग्रो जिसके अंदर फ्रूटी कंपनी आती है। हाँ, एक और बात, एपी फिज नाम से भी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, वो भी फ्रूटी की ही कंपनी है। इस ग्रुप को लीड करने वाले हैं चौहान फैमिली के प्रकाश चौहान और उनकी डॉटर्स। इस कंपनी ने फ्रूटी को लॉन्च करा 1984 में। एक यूनिक स्ट्रेंथ इनकी ये थी कि इनसे पहले इंडिया में सभी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग के लिए कांच की बोतल यूज करते थे, जहां लोगों को वही दुकान पे खड़ा होके अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को खत्म करके वही दुकान पर वापस बोतल को सबमिट कराना होता था। फ्रूटी के हिट होने का पहला रीजन था फ्रूटी कंपनी इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में पहली बार टेट्रा पैकेट्स निकाले विद स्ट्रो, जो कि फॉर श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज भी। सेकंड रीजन फ्रूटी की सक्सेस का है उनकी स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फ्रूटी के पैकेट्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5 रुपए। इस एक स्मार्ट मूव की वजह से कितना ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया है फ्रूटी को टेस्ट करना, और हर जगह भी यही होता है। कंपनी अपने कम क्वांटिटी वाले कम प्राइस वाले छोटे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम ट्रायल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं उन्हें मार्केट में उतारती है। ऐसा इसीलिए कि कम से कम एक बार तो लोग प्रोडक्ट को ट्राई करें, उसके बाद फिर आगे अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो फिर आगे चलकर वो हाई क्वांटिटी वाले वेरिएंट्स को भी खरीदेगा, जहां फिर कंपनीज के भी हाई मार्जिन होते हैं। थर्ड एक्स फैक्टर है फ्रूटी की सक्सेस का, मैंगो के लिए इंडियंस का लव। चाहे वो मैंगो शेक हो या फिर मैंगो से बनी हुई कोई टॉफी, तो फिर मैंगो से बनी हुई सॉफ्ट ड्रिंक से हमारी क्या दुश्मनी होगी। और ऐसा ही हुआ, इंडिया में फ्रूटी का बहुत ही ज्यादा फास्ट अडॉप्शन चालू हो गया, क्योंकि इससे पहले मार्केट में मैंगो से बनी हुई सॉफ्ट ड्रिंक को इतने लार्ज स्केल पे कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं करवा रही थी। फोर्थ फैक्टर ऑफ सक्सेस, फ्रूटी का इंटरेस्टिंग नाम और बच्चों में इसकी फैन फॉलोइंग। फ्रूटी के जो इनिशियल टारगेट कस्टमर्स थे वो थे 7 से 14 ईयर्स के बच्चे, जिनके बीच इंटरेस्टिंग पैकेजिंग टेस्ट और नाम के कारण फ्रूटी ने हिट होकर धीरे धीरे अपनी मार्केट बना ली, जो कि बहुत ही इजीली भी हो गया, क्योंकि उस समय इतने स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट करने वाली कोई अदर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी नहीं थी। ये तो सारी बातें हो गई अच्छी अच्छी, अब थोड़ी बात कर लेते हैं बुरी, मतलब इस पूरे ग्रोइंग स्टेज के टेन्योर में कंपनी ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी। कोई बड़ा कंपटीशन ना होने की वजह से फ्रूटी ने बच्चों की सेगमेंट को तो बड़ी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया, मगर फ्रूटी के लिए प्रॉब्लम ये अराइज हुई थी कि इनकी कंपनी की देखा देखी करके कई और कंपनीज भी सिमिलर प्रोडक्ट को मार्केट में लाने लगी। जहां पहले फ्रूटी ने बच्चों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, कुछ ही सालों में 300 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस करके धीरे धीरे फ्रूटी का मार्केट शेयर टूटने लगा। कंपनी को ये बात समझ में आ गई कि किसी न किसी तरीके से हमें हमारे एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाना होगा। इसके बाद फिर कंपनी ने बच्चों के बाद इंडिया के यूथ को टारगेट करना चाहा, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी यूथ के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी जैसे इमेंसली सक्सेसफुल ब्रांड्स थे। इसी सोच के बाद फिर फ्रूटी ने अपने आप को रीब्रांड करना चालू करा, जो कि जरूरी इसलिए था क्योंकि अब आप इसे अच्छी बात कहो या बुरी बात, लोगों के मन में फ्रूटी को लेकर जो इमेज थी वो ये थी कि यार इसे तो बच्चे पीते हैं। इसीलिए फ्रूटी की रीब्रांडिंग का फोकस फ्रूटी को कोका कोला और पेप्सी के एक अल्टरनेटिव के रूप में लोगों के दिमाग में सेट करना था। प्रकाश चौहान पार्ले एग्रो के MD ने भी कहा था कि पता नहीं किसी कारण से टेट्रा पैकेट्स में आने वाली सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स को लोग बच्चों की सॉफ्ट ड्रिंक्स के नजरिए से देखते हैं। हमारे रिलॉन्च का ऑब्जेक्टिव फ्रूटी को यूथ सेगमेंट के लिए फन, ट्रेंडी और मॉडर्न ब्रांड बनाना है। अपने शानदार मार्केटिंग कैंपेन्स और टैगलाइंस की वजह से आज फ्रूटी बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। आगे चलकर इस कंपनी ने एपीफिज को भी लॉन्च करा, जो कि अगेन इस कंपनी के लिए एक सुपर हीरो प्रोडक्ट बन गया। ये थी फ्रूटी की केस स्टडी। इस चैनल पे अपलोडेड एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग केस स्टडीज की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक के बाद एक देखने लग जाओ।